क्या आपके साथ ऐसा होता है? जब आप फेस के ऊपर फाउंडेशन लगाती हैं तो आपको उलझन सी होती है, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई लेयर आ गई है फेस के ऊपर, खिंचा खिंचा महसूस होता है या कंफर्टेबल नहीं लगता है। अगर ऐसा महसूस होता है तो आज का वीडियो मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि ये जो मेकअप मैंने इस टाइम लगाया हुआ है ये बिल्कुल बिना फाउंडेशन के है, 5 मिनट में हो जाता है और बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ। एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ मैं एक इमेज कंसल्टेंट भी हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी, और मेरे चैनल का और मेरी लाइफ का ये एम है कि मैं आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करूं, टू हेल्प यू लिव सक्सेसफुल, हेल्दी, हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ्स। एज एन एक्ट्रेस आप लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है और रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने में भी हेल्प कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट, फ्री क्लासेस और सेशंस भी इसके ऊपर मैं लेके आती हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिए, कैसा लगा उसके बाद कमेंट कीजिए। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बाद में बताने वाली हूँ कि आप अपने फेस के लिए, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो, फेस पाउडर हो या फिर फाउंडेशन हो, वो कैसे खरीदें। सो वी आर गोइंग टू बिगिन विथ सनस्क्रीन। ये मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ हमेशा। मैंने अपने फेस पे, नेक एरिया पे अच्छे से जो है सनस्क्रीन लगा लिए। अगर आप ऐसी किसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर आजकल ठंड हो रही है, मुंबई में तो आजकल भी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, जनवरी में भी, तो पहले अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज़ कर लीजिए मॉइस्चराइज़र से, क्योंकि ड्राइनेस बहुत हो रही होगी आपको, आई एम श्योर। अच्छे से मॉइस्चराइज़ कीजिए, और अगर आप दिन में बाहर जा रहे हैं तो उसके ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर ज़रूर लगाइए, और अगर नहीं शाम के लिए तैयार हो रही हैं तो सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही काफ़ी है। मैं क्योंकि अभी दिन के टाइम रेडी हो रही हूँ इसलिए सनस्क्रीन लगा रही हूँ। मेथड जो है वो दोनों का एग्जैक्टली सेम है। आप जब मॉइस्चराइज भी करें तो ध्यान रखिएगा कि नेक एरिया, ईयर्स, जो जो जगह थोड़ी भी ड्राई लगे उस पर अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाइए। अब इसके बाद, क्योंकि हमें वो केकी फील, हमें वो थिक फील अपने स्किन के ऊपर नहीं चाहिए, उसके लिए मैं ये यूज़ करने जा रही हूँ, मेबिलिन का फिट मी। वैसे तो ये कॉम्पैक्ट है, आप इसे लेकिन स्पंज से प्लीज़ यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे स्पंज से लगाएंगे तो फिर से एक लेयर सी आ जाएगी और ड्राई ड्राई दिखने लगती है स्किन। तो इसे मैं ब्रश से अप्लाई करूँगी, हालाँकि ब्रश से थोड़ा कम लगेगा लेकिन बहुत ही नेचुरल लुक देगा। कोई भी ऐसे पाउडर ब्रश ले लीजिए, बस इसे डैब करते जाइए आंखों के नीचे भी, आईज के ऊपर, पूरे फेस पे, नेक एरिया पे अच्छे से बस हम डैप करते जाएंगे ऐसे। और आप इसे अपने पर्स में कैरी भी कर सकती हैं, कभी आपको फील हो कि हल्का सा जो है टचअप की जरूरत है तो बस ये ब्रश से हल्का सा ऐसे फिर से डैप कर लीजिए, एंड इट हार्डली टेक्स 2 मिनट्स, होल नेक एरिया। अब हम आईब्रोज फिल करेंगे। ये आईब्रो फिलर यूज़ करती हूँ मैं, मिस क्लेयर का। इसमें जो ये डार्क वाला शेड है ना, ये वाला, लेकिन अगर आपके आईब्रोज और बाल काफ़ी लाइट ब्राउन हैं तो आप जो है ये वाला शेड, लाइट वाला यूज़ कीजिए, लेकिन ब्लैक बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि ब्लैक से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टार्क लुक, बहुत हार्श लुक आ जाता है। अब क्योंकि एक बहुत ही क्विक लुक है उन लोगों के लिए जो मेकअप नहीं लगाते हैं या पहली बार ट्राई कर रहे हैं या बिल्कुल जल्दी में करना चाहते हैं, इसलिए मैंने जो है आई शैडो नहीं लगाया है। इट्स ऑप्शनल, आप चाहे तो हल्का सा नेचुरल आई शैडो लगा सकते हैं। मैं अब ये काजल लगाने जा रही हूँ। काजल लगाने से क्या होगा कि जो आई शैडो की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। इसी से मैं काजल और लाइनर दोनों लगाऊंगी, और मैं थोड़ा थिक काजल लेती हूँ नीचे। दैट ऑल्सो डिपेंड्स, आपको अच्छा लगता है तो लीजिए, नहीं तो थिन लगा लीजिए। जब हम काजल अच्छा लगा लेते हैं ना तो क्या होता है, हमारी आंखों में जो एक एम्प्टीनेस होती है या ऐसा जो लगता है कि हमने मेकअप नहीं किया या अधूरा किया है, वो कंप्लीट लगने लगता है। तो इसी का मैं लाइनर कर रही हूँ और इसी की मैं काजल लगा लूँगी। ये मेबेलिन की पेंसिल है, द कलोसल काजल, बहुत ईजिली अवेलेबल है कहीं पर भी।
दोनों साइड्स पे साइमल्टेनियसली कीजिए। ऐसा नहीं कि एक आँख पूरी कंप्लीट हो गई उसके बाद आप दूसरी साइड करें, क्योंकि उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होने के चांसेस रहते हैं, बराबर नहीं आता दोनों साइड पे। ये ऐसे मैं थोड़ा सा ना ऐसे, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी कर सकती हैं, बाहर से लेती हूँ काजल को, क्योंकि मेरी वैसे भी ना नीचे से आंखें थोड़ी ऊपर की तरफ, ऐसे थोड़ी सी चाइनीज लगती हूँ चढ़ी हुई है ऊपर। देखिए ये आंख कितनी बड़ी लग रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो एजेस हैं काजल के थोड़ा सा स्मच करें और आपके पास ब्रश नहीं है, तो बस ये बैक साइड लीजिए इसकी काजल पेंसिल की और हल्का सा बहुत लाइटली ऐसे कर दीजिए। ये सब ट्रिक्स हैं हमारे मेकअप की, शूटिंग में हम कई बार करते हैं अगर कोई चीज़ मिस हो जाए या अवेलेबल नहीं हो तो। देखिए स्मच हो गया, लेकिन बहुत हल्के हाथ से कीजिएगा क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है इसलिए। इनफैक्ट आप फिंगर से भी कर सकते हैं, मैं एक मिनट करके दिखाती हूँ आपको। ये अब क्योंकि मैंने काजल बहुत थिक किया है, ऐसे थिक काजल के फैलने के बहुत चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर हम लंबे टाइम तक लगा के रख रहे हैं तो। ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी इनफैक्ट लोग पूछते भी हैं। तो ये जो फिट मी हमने लगाया था अपने पूरे फेस के ऊपर, एक ऐसा हम एंगुलर ब्रश लेंगे, अगर नहीं है तो कोई दूसरा ब्रश भी चलेगा, आई शैडो ब्रश भी चलेगा, लेकिन पतला होना चाहिए, और ये लेंगे। बस इसे थोड़ा सा लेके काजल के नीचे लगा देंगे एकदम चिपका के उससे, ताकि हमारा काजल इससे रुक जाएगा, फैलेगा नहीं। इनफैक्ट आप डेली इतना मेकअप अगर चाहें तो आराम से कर सकती है, घर पे भी अच्छा लगता है। अच्छा आप काजल थिक है तो मस्कारा भी मैंने ऑप्शनल कर दिया है, मैं वैसे ये वाला यूज़ करती हूँ और अभी यूज़ करूँगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी लड़कियाँ, बहुत सी लेडीज़ मस्कारा लगाने में कंफर्टेबल नहीं होते, उन्हें मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि मस्कारा से जो है वो लैशेज़ लंबी लगती हैं और एक बहुत ही अच्छा कंप्लीट लुक मिलता है आईज़ को। बाकी कुछ कीजिए ना कीजिए, मस्कारा ज़रूर लगाइए, आप डिफरेंस देखिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड हैं मस्कारा लगाने में, तो ये काजल जो है ये अपने आप में बहुत है, आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। वेरी नेचुरल लाइट मस्कारा, बहुत हैवी नहीं कर रही हूँ, उसमें ज़रूरत ही नहीं है। अब हल्का सा बहुत नेचुरल ब्लश ऑन, इसके लिए आप चाहें तो ऐसा सिंगल ब्लश ऑन कोई भी जो आपका फेवरेट हो, नेचुरल पिंक पीच लेके रख सकते हैं, या फिर जो है ऐसा पैलेट ले सकते हैं, ये मिस क्लेयर का पैलेट है जो मैंने पहले सिंगल दिखाया था, वो मैक का था, कोई भी नेचुरल सा शेड, तो मुझे ये वाला पसंद है ज़्यादा, इसलिए मैं ये हल्का सा लगा लेती हूँ। दैट्स इट। कैन यू बिलीव हमारा मेकअप हो भी गया है, अब बस लिपस्टिक की बारी है। सो दिस इज़ द लिपस्टिक पेंसिल आई एम गोइंग टू यूज़, ये पिंक शेड है इसका, यूनिक स्टाइल का, आप कोई भी नेचुरल पिंक या जो भी शेड आपको अच्छा लगे, लिपस्टिक अपनी चॉइस की लगा लीजिए। और बस अब लिपस्टिक मैं हमेशा जो है वो ब्रश से रिकमेंड करती हूँ लगाने के लिए, ये लॉरियल की लिपस्टिक है 131। We are done. जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उनका मैंने नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप वो खरीद लीजिए या फिर मिलता है जुलता कोई भी दूसरा प्रोडक्ट। तो आप अपने फेस के हिसाब से फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट या कोई भी बेस खरीदने, तो कैसे खरीदेंगी?
जब कभी भी हम स्टोर में जाते हैं खरीदने के लिए तो क्या टेंडेंसी होती है हमारे सेल्स पीपल की भी, वो हमें पता नहीं क्यों बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन का दिखाने लगते हैं। अक्सर हमारे जो टोन है उससे जो है एक दो शेड फेयर दिखाने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है। एग्जैक्टली जो हमारा स्किन टोन है हमें उसी टोन का खरीदना चाहिए। हमारा जो इंडियन स्किन टोन है मोस्टली सबका जो है वो वार्म है, यानी कि जो अंडरटोन है वो येलो होता है। बहुत एक्सेप्शनली गोरे हैं वो जो है वो फेयर शेड्स लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे जैसे व्हीटिश लोग हैं या व्हीटिश फेयर हैं उनके लिए जो है वो हल्का सा येलोइश टोन में जो फाउंडेशन या फिर पाउडर होता है, कॉम्पैक्ट होता है, वो सूट करता है उन्हें। और उससे एक और चीज़ होती है कि अगर हम बिल्कुल अपने शेड का लेते हैं या एक शेड बिल्कुल हल्का सा शेड उससे कम भी हो, मतलब सामने की साइड भी हो, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि बहुत कम मेकअप में हमारे अगर छोटे छोटे कोई ब्लेमिशेस होते हैं वो छुप जाते हैं। और मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं यही टेक्निक इस्तेमाल करती हूँ। तो हमारा एम जो है वो अपनी स्किन को फ्लॉलेस दिखाना है, ना कि गोरा दिखाना है। अट्रैक्टिव लगते हैं बहुत सांवले लोग भी, इसलिए प्लीज़ आप अपने से जो है कभी भी आपको जो सेल्स पीपल है वो दिखाएं तो आप उनको बोलिए नहीं, आप उसे फेयर कॉम्प्लेक्शन का मत दिखाइए, आप मेरा या उससे कम का दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।